सीतामढ़ी वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के धैर्य का ही परिचय है कि अभी तक सीतामढ़ी में कोई कोरोना केस नहीं रिपोर्टेड है। आप सभी का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है और हम आप सभी से अपील करते हैं कि इसी प्रकार आप जिला प्रशासन का सहयोग करें एवं आप सभी सजग रहें। यदि आप ये करते हैं तो हम सभी कोरोना के खिलाफ लड़ सकेंगे। अभी हम लोग ने विशेष करके पल्स पोलियो के तर्ज पे सर्वे का अभियान चलाया है और जो भी ऐसे गांव हैं जहां विदेश से लोग आए थे या कुछ भी ऐसे थे जिन्हें संदिग्ध लग रहा था, उस गांव में कैंप के मोड में अभियान चला के सर्वे किया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है कि स्वास्थ्य कर्मी आपके यहाँ जाएंगे और ये अभियान के अंतर्गत सर्वे करेंगे। आप सभी इसका सहयोग करें। यदि हम सब सजग रहेंगे एवं हम सभी इनका सहयोग करेंगे तो हम सभी कोरोना से बच पाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे खांसी, बदन दर्द या बुखार जैसी शिकायत हो तो वो घबराएं नहीं, वो डरे नहीं, वो आगे आकर बताएं और हम सभी उनका जांच करेंगे और उन्हें चिकित्सीय मदद मिलेगी। इसमें कहीं भी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा हमारे ऐसे जो भी बंधु बाहर से आए हैं एवं कार्य की आवश्यकता है एवं हमारे यहाँ गांव में भी जिनको भी कार्य की आवश्यकता है उनके लिए कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत घर घर नल का जल, नली गली, इन सभी में कार्य किया जाएगा और उनको कार्य से जोड़ा जा रहा है ताकि किन्हीं को भी कार्य की आवश्यकता यदि है तो वो इनसे जुड़े और उनको काम मिले और उन्हें तकलीफ नहीं हो। इसके साथ ही हमारे जो कृषि बंधु हैं, जो मत्स्य से जुड़े हुए हैं, इन सभी को भी कार्य करना है और इन सभी को भी सहयोग किया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप सभी सजग रहें एवं जो भी कार्य हो उसमें सामाजिक दूरी अर्थात एक दूसरे के बीच में 1 मीटर की दूरी का फासला बना के रखें एवं यथासंभव अपने चेहरे को गमछा या कपड़ा वाले जो मास्क है उसे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ ही साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धो, ये सब कुछ बचाव के तरीके हैं जो आप सभी को करने चाहिए। इसके अलावा कहीं भी भीड़ भाड़ में यदि जाते हैं तो ये सभी बचाव के तरीकों का वहाँ भी आप अनुपालन करें। आप सभी की सजगता से ही हम कोरोना से लड़ सकेंगे और आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। आप सभी से मेरा पुनः अपील है कि आप सभी सीतामढ़ी वासी इस लड़ाई में एकजुट होकर सभी अनुदेशों का अनुपालन करें एवं आगे बढ़ चढ़कर कोरोना के खिलाफ लड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।